हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर पूजा। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन। देखिए ब्लाउज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके नेक में मैंने इस प्रकार की डिजाइन डाली है, कमर पर मैंने इस प्रकार की पट्टी लगाई है। ये ब्लाउज पहनने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पट्टी को बैक में हम इस प्रकार से बांधेंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। सीने की नाप लगाएंगे, सीने की नाप का चौथाई भाग करेंगे। फिर उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे और सीने की नाप लगा लेंगे। लंबाई की नाप लगाएंगे प्लस लंबाई में 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। शोल्डर की नाप लगाएंगे 6 इंच पर। आर्म होल्स की नाप 6 इंच पर लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल्स की गुलाई हम 1.5 इंच से करेंगे। इस तरह से हम आर्म होल्स की गुलाई दे देंगे। अब हम गले की नाप लगाएंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 9 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई की नाप लगा लीजिएगा। नीचे साइड से भी मैं 3 इंच रख रही हूँ। इसको हम बॉक्स टाइप बना लेंगे। गले का शेप ड्रॉ करेंगे। मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप दूसरा शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। गले साइड से 1.5 इंच लंबाई माइनस करेंगे। इस प्रकार से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बैक पार्ट की नाप लग चुकी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो चुकी है। गले साइड से 4 इंच पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। ऐसे सेम हम उस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के सीने की नाप और लंबाई की नाप बैक पार्ट की इतनी ही रखेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर की नाप और आर्म होल्स की नाप सेम ही रखेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स की गुलाई हम 1 इंच से करेंगे। गले की नाप लगाएंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 6 इंच है। नीचे साइड से भी हम 3 इंच ही रखेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले का शेप हम ऐसा ही रखेंगे। प्रिंसेस टक्स के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर साइड से हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और गले की तरफ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे साइड भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्कों को मिला देंगे और इस तरह का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और अस्तर के फैब्रिक को इस प्रकार से रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। ये मैंने आई पट्टी कट की है, 5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 3 इंच है। दूसरी पट्टी हुक पट्टी है, इसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। कमर पर बांधने की पट्टी कट करेंगे। फैब्रिक को हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को हम तिरछा ही फोल्ड करेंगे। अब हम कमर की नाप लगाएंगे। कमर की नाप को हाफ करके कमर की नाप लगा लेंगे।
पट्टी की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। फैब्रिक को हम बराबर कर लेंगे। साइड में पट्टी का कोना हम तिरछा और चौड़ा ही रखेंगे। इस प्रकार का शेप बनाएंगे। अब हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। पट्टी कट हो चुकी है, ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम फ्रंट पार्ट के नेक पर और नीचे साइड स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे हम बैक पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेंगे। हमने स्टिचिंग कर ली है, अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम ब्लाउज को पलट लेंगे। गले पर हम फिनिशिंग स्टिचिंग कर लेंगे और साइड साइड में अस्तर के फैब्रिक को हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में हुक पट्टी अटैच करेंगे, जिसके लिए हम ब्लाउज को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। गले के सेंटर से कटिंग कर देंगे। ये मैंने आई पट्टी ली है, इसको हम इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। इस तरफ हम हुक पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए हमने अटैच कर ली है। अब हम टक्स डालेंगे। यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। हम टक्स पर तिरछी स्टिचिंग करेंगे। नीचे साइड चौड़ी रहेगी और ऊपर साइड पतली रहेगी। ऐसे हम दूसरी टक्स पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। प्रिंसेस टक्स के मार्क पर स्टिचिंग कर लेंगे, जिससे टक्स डालते हुए फैब्रिक खिसके ना। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेंगे। हम इसको राउंड करते हुए स्टिचिंग करेंगे। नीचे साइड हल्का चौड़ी रहेगी, ऊपर साइड पतली रहेगी। देखिए इस प्रकार से ये टक्स पड़ेगी। ऐसे हम दूसरी टक्स भी डाल लेंगे। देखिए हमने टक्स डाल ली है। अब हम नेक पर डिजाइन बनाएंगे। फैब्रिक को हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हम इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेंगे। हम फैब्रिक को कट कर देंगे। ऐसे हम डिजाइन और बना लेंगे। इनको हम ज्वाइंट कर लेंगे। इस प्रकार से रखते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे हम सभी को ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ज्वाइंट हो चुकी है। अब इनको हम ब्लाउज पर अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से हम ब्लाउज पर अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए डिजाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। अब हम पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को इस प्रकार फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे पट्टी पर कोना बना हुआ है, ऐसे हम बनाते हुए स्टिचिंग करेंगे। पट्टी पर हम 3 इंच का गैप रखेंगे पट्टी को पलटाने के लिए। पट्टी को हम पलट लेंगे। पट्टी के कोनों को सुई से अच्छे से निकाल लेंगे। ये जो खुली हुई पट्टी है, इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे और पट्टी के साइड साइड में स्टिचिंग कर देंगे। पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। नेक साइड से बराबर से रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पार्टों को मिलाते हुए साइड से स्टिचिंग कर लेंगे और हम ब्लाउज की फिटिंग कर लेंगे।
ब्लाउज की फिटिंग हमने कर ली है, अब हम ब्लाउज पर स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव पहले से मैंने कंप्लीट कर ली है। इस प्रकार से हम ब्लाउज पर स्लीव अटैच कर लेंगे। देखिए स्लीव अटैच कर ली है, अब हम कमर पर पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे और अटैच कर लेंगे। पट्टी और ब्लाउज को इस प्रकार से मिलाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। पट्टी को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, बैक पार्ट में नहीं करेंगे। बैक पार्ट में पट्टी को हम इस प्रकार से बांधेंगे। देखिए ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने डोरियां भी अटैच कर ली हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।